शक्तिशाली हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मन की शंका को तो मैं सुलझाता हूँ, नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है ये बतलाता हूँ। सामने नौ धातुओं के आसन हमने रखवाए, जिसको जो धातु पसंद हो उस पे बैठ जाए। सूर्य ने सोना, चंद्र ने मोती, गुरु ने लिया पुखरा, बुध ने पन्ना, शुक्र ने हीरा, मंगल मूंगा तार। शनि देव को लोहा प्रिय था, लोहा अपनाए, लोहे के आसन पे शनि जी आके बैठ धाए। विक्रम बीच सभा में फैसला देने आते हैं, क्यों है इतने शक्तिशाली तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सभी में कौन श्रेष्ठ है कहना है आसान, आप सभी की शंका का मैं करता समाधान। सबसे श्रेष्ठ है धातु जिसकी सबसे वो महान, सबसे मलिन धातु वाला सबसे नीचे लो जान। सोने के आसन वाले सूर्य जी सबसे पहले आए, लोहे के आसन वाले शनि जी अंतिम कहलाए। शनि देव अपमान ये अपना सह नहीं पाए, क्रोधित होकर शनि देव ने वचन ये सुनाए। हे विक्रम, हम तुम्हें अपनी शक्ति दिखलाते हैं, क्यों है इतने शक्तिशाली तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजपाट सब छीन लिया और हालत बुरी करी, वन में भटकने को राजा फिर तो मजबूर हुए। भूख प्यास से हुए व्याकुल एक तेली के पास गए, कुछ खाना दो और पानी दो, तेली दया करो, काम करूँगा तुम्हारे घर में कोई काम दे दो। रूखा सूखा खाना दिया और भूसी में पानी, बैल की जगह को लू खिंचवाऊं मन में थी ठानी। विक्रमादित्य से कोलू अपना वो हकवाते हैं, क्यों है इतने शक्तिशाली तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देख के